हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर। हालांकि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। और हम सभी ये भी जान रहे हैं कि पोकेमोन होराइजन काफी लंबे वक्त से चला रहा है, बहुत सारे एपिसोड्स इसके बन गए हैं और ऐश को भी गए हुए इनमें से काफी वक्त हो गया है और अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है कि ऐश आएगा या नहीं आएगा। और पोकेमोन वाले भी इसके ऊपर कोई क्लियर नहीं करते हैं, कुछ नहीं डालते अपडेट्स कि आएगा नहीं आएगा। हालांकि एक इंटरव्यू में बताए हैं कि ऐश आएगा नहीं आएगा ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि उन्होंने ऐश और पिकाचू को भी एक अच्छी प्रॉपर तरह की गुड बाय नहीं दी है, फेयरवेल नहीं दी है, तो हम ये कह भी नहीं सकते हैं कि ऐश नहीं ही आएगा। आ भी सकता है क्योंकि ऐश रेस्ट कर रहा है उनके लिए। और देखो, पोकेमोन कंपनी वाले चाहते हैं कि वो अपने सीरीज में, अपने एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंज लाएं। वो क्या कर रहे हैं, नई सीरीज लाए हैं जैसे कि हम सभी जान रहे हैं पोकेमोन होराइजन नाम कर, और इसमें दो कैरेक्टर है, हालांकि और भी कैरेक्टर है, लिको रॉय तो मेन है। तो इस तरह वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि उनकी सीरीज हिट होती है या फ्लॉप, क्योंकि ऑब्वियसली सारे क्रिएटर्स एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। तुम अगर यूट्यूब में देखते हो कई सारे क्रिएटर्स को, तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो करते हैं कि उनकी ऑडियंस क्या देखती है क्या नहीं देखती है। तुम इस तरह देख सकते हो कि उनकी पहली वीडियो कैसी थी एंड उसकी अभी लेटेस्ट वीडियो जो आती है वो कैसी है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा, पहले वो किसी और टॉपिक पर बनाते होंगे या फिर उनकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेकार होगी या फिर अलग होगी, आज के टाइम पर बहुत ही अलग होगी। तो इस तरह पोकेमोन कंपनी वाले भी चाहते हैं, जैसे कि तुम जान रहे हो कि पोकेमोन 25 सालों से चलता आ रहा है, जैसे कि तुम जानते हो मेन प्रोटैगनिस्ट ऐश के दोस्त बनते हैं, नए नए रीजन्स में ट्रैवल करता है, वहां पर जाकर जिम बैटल्स करता है, फिर पोकेमोन लीग में हिस्सा लेता है, हारता है जीतता है, ये पोकेमोन कंपनी वाले करते आ रहे कई सालों से। हालांकि उन्होंने बीच में चेंजिंग लाया अलोला सीरीज में, जहां पर ऐश थोड़े अलग तरह के जिम बैटल्स करता है और लीग जीत भी जाता है। तो इस तरह हमें कुछ नया देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है हमें कि ऐश एक पोकेमोन स्कूल में भी पढ़ता है, और इसके बाद फिर हमें पोकेमोन जर्नीज देखने को मिली, जहां पर ऐश पूरी तरह से अलग काम करता है, पूरे वर्ल्ड में घूमता है, पोकेमोन वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में हिस्सा लेता है, जहां पर वो अपने रैंक बढ़ा बढ़ा कर पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। तो इस तरह हमें प्रॉपर तरीके से बहुत ही अलग चीज देखने को मिली। तो इस तरह पोकेमोन कंपनी वालों ने अपने एल्गोरिथम के थोड़ा सा चेंजिंग लाया। हालांकि उन्होंने ऐश को एंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं दी है, उन्होंने M2B पोकेमोन मास्टर सीरीज लाई, बट लास्ट एपिसोड में उन्होंने ऐश को फेयरवेल नहीं दिया, हम सभी जान रहे हैं, और उन्होंने नई सीरीज ला दी। तो ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऐश फ्यूचर में आएगा, क्योंकि किसका भरोसा है कि पोकेमोन होराइजन सीरीज हिट ही होगी, फ्लॉप भी हो सकती है क्योंकि इसमें ऐश है नहीं। और तुम जानते हो 25 सालों से अगर कोई कैरेक्टर किसी एनिमे में मेन प्रोटैगनिस्ट बना हुआ है तो उसके साथ कितना ज्यादा इमोशनल कनेक्शन रहता है, एंड अगर वो चला जाता है, कोई और आ जाता है, तो उस सीरीज से हमारा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम हो ही जाता है। तो उसी तरह पोकेमोन होराइजन के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा है, बट फिर भी ये एक एनिमे है, इसे लोग देख रहे हैं क्योंकि इसमें पोकेमोन दिखाया जा रहा है, इसमें अलग तरह की कहानी दिखाई जा रही है, अलग तरह के प्रोटैगनिस्ट दिखाए जा रहे हैं जो उनके अट्रैक्शन का सोर्स है, उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, हमें भी अट्रैक्ट कर रहा है देखने के लिए। बट फिर भी इसमें ऐश नहीं है, तो भी थोड़ी सी इसकी रीच डाउन हुई होगी। और अब फाइनली बात करते हैं ऐश के आने को लेकर, कि ऐश कब तक आ सकता है, क्या चांसेस है ऐश के आने के। तो देखो, ऐश इस साल तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली पोकेमोन कंपनी वालों ने नया सीरीज लाया है, तो एक साल या फिर दो साल तो नहीं चलाने वाले, एटलीस्ट 3 साल या फिर 4 साल तो चलाएंगे ही, एटलीस्ट 2 या 3 साल तो वेट करना ही पड़ेगा ऐश की नई सीरीज को लेकर, जिसमें ऐश हमें दिखाया जाएगा। और पोकेमोन कंपनी वाले, हो भी सकता है कि वो इस साल कोई अपडेट दें या फिर कोई न्यूज दें कि ऐश का एक नई सीरीज आएगी जिसमें ऐश की सीरीज भी चलेगी और होराइजन सीरीज भी चलेगी, मतलब दोनों सीरीज साथ साथ चलेगी, जिसको हम दोनों में किसी भी चीज को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होने का बहुत ही कम चांस है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह सकते पोकेमोन कंपनी वाले कि वो ऐसा करेंगे ही। वो हमेशा अलग करते आए हैं, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते आए हैं, हम जो चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते। हम चाहते थे सरीना आ जाए, आई, देख सकते हो कितना अच्छा कमबैक हुआ है सरीना का, जिससे यार दिल टूट गया। बट एक चीज उन्होंने बहुत सही की है कि उन्होंने गो को हटा दिया। ऑब्वियसली गो तो यार मेन प्रोटैगनिस्ट बन गया था, सारा अट्रैक्शन गो पर ही जा रहा था, ऐश तो भाई साइड कैरेक्टर बन गया था, तो इसलिए भी गो को हटाया जाना था। तो ये हमारे काम के, मतलब हमारे मतलब का काम किया पोकेमोन वालों ने, ऐश को सारे रीजन्स में ट्रैवल करवाया, तो ये भी बहुत सही किया। हमने ऐश के पुराने सारे कैरेक्टर्स, सारे दोस्त, सारे दुश्मन सबको देख लिया। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पोकेमोन कंपनी वाले हमेशा अलग ही करते हैं, हमेशा हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए जो अच्छा होता है वो बिल्कुल भी नहीं करते, कुछ कुछ चीजें वो करते हैं जिससे हमें फायदा होता हो। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर आ गया, हम बात कर रहे थे ऐश के आने को लेकर। तो ऐश इस साल तो नहीं आने वाला है, देखते हैं अगले साल क्या दिखता है, हमें क्या अपडेट्स देते हैं पोकेमोन वाले, हर साल तो देते ही है, हर महीने देते हैं, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इस तरह ज्यादा चांसेस ये है कि जब तक ये सीरीज चल रही है तब तक तो ऐश के लिए कोई नई सीरीज नहीं आएगी, लेकिन इसके भी ज्यादा चांसेस आ जाते हैं जब ये सीरीज एंड हो जाए, और एंड तो होने में इसको कम से कम 2 साल लगेगा, कम से कम
हम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तो 3-4 साल भी लग सकता है। और अगर ऐश आ भी जाता है तो ऐश शायद से कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली पोकेमोन कंपनी वाले ओरिजिनल सीरीज की तरह तो नहीं करने वाले कि ऐश आया और ऐश जिम बैटल्स करने लगा, लीग में हिस्सा लिया, हारा जीता जो भी किया, वापस पहले की बात में बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाले पोकेमोन कंपनी वाले। बहुत ही अलग करेंगे इस बार अगर ऐश आया तो। हो सकता है ऐश की उम्र बढ़ा दे या फिर नहीं भी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही कम एनिमे सीरीज ऐसे करते हैं कि एज बढ़ा दे। ऐश तो नहीं बढ़ाने वाले क्योंकि पोकेमोन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने ही ये क्लियर किया है कि ऐश की एज नहीं बढ़ने वाली, कभी भी नहीं बढ़ने वाली ऐश की एज, क्योंकि पोकेमोन एनिमे सीरीज का टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे ही है। तो 10 साल ही रहने वाला है ऐश। और हो सकता है कि आने वाली सीरीज में जब ऐश दिखाया जाए तो कई सारे नए पोकेमोन भी दिखाया जाए। ऑब्वियसली नया सीरीज आ रहा है तो उसमें नए पोकेमोन दिखेंगे, बहुत कुछ हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो इस तरह ये वीडियो खत्म होती है। होप कि तुम्हें मेरा ओपिनियन पता लगी हो, अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह एनिमे से रिलेटेड और पोकेमोन तो खासकर और शॉर्ट्स भी देखा करो यार, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।